हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा की देसी गुजराती रेसिपी। आज हम बनाने वाले हैं इडली और डोसा का परफेक्ट बैटर, जिस नाप से आप बनाते हैं। अगर आप मेरे नाप से बनाएंगे तो आपके डोसा एकदम क्रिस्पी बनेंगे और इडली भी एकदम सॉफ्ट सॉफ्ट बनेगी। अगर आप मेरे तरीके से बनाते हैं तो आपको डोसा बनाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपको मेरी डोसा और इडली का बैटर अच्छा लगता है तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले, और मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी और मेरे तरीके से आप बना देंगे तो आपका डोसा एकदम परफेक्ट बनेगा। तो आइए देख लेते हैं इस तरीके से बनाना है हमें डोसा और इडली का बैटर। सबसे पहले हम कोई एक कटोरी सेट कर लेंगे, उसी कटोरी से हमें सारे नाप ले लेने हैं। यहाँ पर मैंने इस तरह की स्टील की कटोरी सेट कर ली है, तो मैंने यहाँ पर एक कटोरी उड़द दाल ले ली है। यहाँ पर बिना छिलके वाले मैंने उड़द दाल ली है। अब आगे हमें चाहिए चावल। चावल यहाँ पर मैं जो खिचड़ी के चावल आते हैं वो यहाँ पर ले रही हूँ। आप चाहे तो बासमती या कोई और चावल भी ले सकते हैं। अब एक हम बर्तन ले लेंगे, उसमें हम एक कटोरी उड़द दाल ऐड करेंगे। यहाँ पर उसी कटोरी से हम सारे नाप लेंगे, तो यहाँ पर उसी कटोरी से मैं 3 कटोरी चावल ऐड कर दूँगी। यहाँ पर चावल आप कोई भी ले सकते हैं। अब इस तरीके से मैंने 3 कटोरी चावल ऐड कर दिए हैं। अब उसी कटोरी से हमें 1/2 कटोरी चना दाल ऐड करूँगी। इससे हमारे डोसा एकदम बढ़िया बनेंगे और टेस्ट में भी बहुत अच्छे लगेंगे और क्रिस्पी भी बनेंगे साथ साथ। तो चना दाल आप ज़रूर ऐड करें। और आगे हमें चाहिए मेथी दाना, इससे हमारे डोसा में एकदम बढ़िया टेस्ट आता है। तो मेथी दाना भी आप ज़रूर डालें। यहाँ पर मैं 1 चम्मच मेथी दाना ऐड कर रही हूँ। अब सब कुछ अच्छे से मिक्स कर देंगे। अब इसे हम 3 से 4 पानी से वॉश कर लेंगे। यहाँ पर हम 3 से 4 पानी से वॉश करना बहुत ज़रूरी है, बाद में इसे हम छोड़ देंगे। यहाँ पर मैंने आप देख सकते 3 से 4 पानी से वॉश कर दिया है और बड़े पतीले में ले लिया है। बाद में हमारे चावल और दाल अच्छे से फूल जाएंगे, तो इसलिए बड़ा पतीला होना ज़रूरी है। तो अब इसे हम 3 से 4 घंटे के लिए छोड़ देंगे। आप चाहे तो पूरी रात भी इसे रख सकते हैं। यहाँ पर मैं दोपहर को भिगो रही हूँ, तो इसे मैं 4 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। अब 4 घंटे के बाद आप देख सकते कि हमारे चावल और दाल अच्छे से भीग चुके हैं। तब इसे हमें पीस लेना है। अगर आपको शाम को डोसा बनाना है तो आप दोपहर को इस तरह से चावल और दाल को भिगो कर रख सकते हो, और शाम को आप आसानी से डोसा और इडली बना सकते हैं। अब इसी चावल और दाल के मिक्सर को हम मिक्सर जार में लेकर थोड़ा थोड़ा करके पीस लेना है। यहाँ पर हमें पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं करना है। अगर आपको पीसने में दिक्कत आ रही है तो आप थोड़ा 1 से 2 चम्मच जितना पानी ऐड कर सकते हैं, वरना ऐसे ही पीस लेना है हमें। अब इसी तरह से मैंने सारा बैटर इस तरीके से पीस लिया है। आप देख सकते कितना गाढ़ा पीसा है मैंने इसी तरह का। इस बैटर को आप आराम से फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं 1 हफ्ते के लिए। अब इसी तरह का मैंने बैटर बना लिया है। अब इससे मैं आपको डोसा बनाना सिखाऊंगी। अब इसी बैटर में से हम थोड़ा बैटर एक दूसरे बर्तन में थोड़ा सा ले लेंगे, उससे मैं आपको डोसा बनाना सिखाऊंगी। अब इसमें से मैं थोड़ा बैटर एक और बर्तन में थोड़ा सा ट्रांसफर कर लूंगी। यहाँ पर मैंने थोड़ा सा बैटर ले लिया इस तरीके से, आप देख सकते हैं इस तरह का गाढ़ा है। अब उसमें हम पानी ऐड करेंगे। यहाँ पर हम थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करेंगे ताकि हमारा बैटर एकदम से ढीला ना हो जाए। यहाँ पर इस तरीके का मैंने बैटर बनाया, आप देख सकते हैं बहुत ही गाढ़ा भी नहीं है और पतला भी नहीं है। अब उसमें हम स्वाद अनुसार नमक ऐड करेंगे। यहाँ पर मैं कोई भी इनो या सोडा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, फिर भी हमारे डोसा एकदम बढ़िया बनेंगे, क्रिस्पी और क्रंची। अब इससे मैं आपको डोसा बनाना सिखाऊंगी। अब हमारा तवा भी गर्म हो चुका है, तो अब उसमें मैंने यहाँ पर 1 कटोरी में तेल और पानी का मिश्रण बना लिया है। वो इस तरह से ब्रश से मैं फैला दूंगी सारे तवे पर। अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप कॉटन का कपड़ा भी यूज़ कर सकते हैं। अब उसमें मैं डोसा का बैटर ऐड कर दूंगी और तवे को इस तरह से फैला देना है। आप देख सकते हैं इस तरीके से मैंने डोसा को बना लिया है। अब इसे हमें छोड़ देना है। जब ये एक साइड से पकना शुरू हो जाए तब इसे हम फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पर हमने गैस की आंच हाई रखी है।
यहाँ पर आप डोसा देख सकते हैं कि हमारा थोड़ा सा क्रिस्पी होना शुरू हो चुका है, इस तरह से किनारे छोड़ने लगा है। अब इसे हम जैसे जैसे ये क्रिस्पी होगा वैसे वैसे किनारे छोड़ने लगेगा, आप देख सकते हैं। अभी और हम होने देंगे इसे, थोड़ी देर और पकने देंगे तो हमारा डोसा एकदम क्रिस्पी हो जाएगा। यहाँ पर हमें डोसा बेटर में कोई आथा लाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, इसे आप दोपहर को भिगोकर शाम को आराम से बना सकते हैं। यहाँ पर पूरी रात रखने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, फिर भी हमारे डोसा एकदम क्रिस्पी और बढ़िया बनेंगे। अगर आप इडली भी बनाते हैं तो फिर भी इडली भी आपकी बहुत ही बढ़िया बनेगी। अब इसी तरह का हमारा डोसा एकदम क्रिस्पी बन के तैयार हो चुका है, अब इसे हम प्लेटिंग कर लेंगे। यहाँ पर मैंने डोसे को नारियल की हरी धनिया वाली ग्रीन चटनी के साथ सर्व किया है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। धन्यवाद।